हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल वर्क 29। तो दोस्तों, जब हम कभी हाइड्रो टेस्ट करते हैं या किसी चीज़ का प्रेशर टेस्ट करते हैं या एयर कंप्रेसर से न्यूमेटिक टेस्ट करते हैं या कुछ भी प्रेशर का टेस्ट करते हैं, तो उसमें हम अक्सर एक प्रेशर गेज का उपयोग करते हैं। आप देखे होंगे उस प्रेशर गेज पर अक्सर PSI बार या फिर KPa या फिर kg/cm² लिखा रहता है। इसका मतलब क्या होता है, आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम कभी प्रेशर गेज का उपयोग करते हैं तो आप उस पर अक्सर देखते होंगे kg/cm² या फिर PSI या फिर बार या फिर KPa लिखा रहता है, या कभी कभी PSI और बार भी लिखा रहता है, कभी कभी kg/cm² या फिर PSI या PSI KPa दोनों लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक दूसरे से कन्वर्ट कैसे करते हैं, जैसे बार से PSI में या फिर kg/cm² से PSI में या फिर PSI से KPa में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों, ये kg/cm², KPa, बार और PSI, ये प्रेशर मापने का एक इकाई है, यूनिट है। जैसे कि हमको किसी चीज़ का लंबाई मापना होता है तो हम मिलीमीटर में या फीट में या मीटर में मापते हैं, वैसे ही ये प्रेशर मापने का इकाई है। दोस्तों, इसका एक छोटा सा डेफिनेशन है प्रेशर का, मैं आपको बताता हूँ। प्रेशर इज़ द फोर्स अगेंस्ट द यूनिट सरफेस एरिया, मतलब कि यूनिट सरफेस एरिया पे जितना फोर्स लगता है उसे हम प्रेशर कहते हैं। इसकी वैल्यू मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। जैसे कि बार में हम कभी कभी प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं तो एक बार बराबर होता है 100 kPa के। जैसे सेम एक मीटर में 100 cm होता है, वैसे सेम एक बार में 100 kPa होता है। जैसा कि आप इस प्रेशर गेज में देख सकते हैं, ये प्रेशर गेज 6 bar का है और 600 kPa का है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बार में 100 kPa होता है, उसी हिसाब से 5 bar में 500 kPa होगा। और PSI का मतलब होता है दोस्तों pound/sq in, या फिर pound force/sq in भी बोल सकते हैं। और अगर हम kg/cm² की बात करें, इसको हम kg force/cm² भी बोल सकते हैं। और एक बार में 1.01 kg/cm² होता है, मतलब करीब करीब ये बराबर ही रहता है। 1 bar = 1.01 kg/cm² होता है। तो दोस्तों, आप तो ये जान गए होंगे कि 1 bar = 1.01 kg/cm² होता है। और वहीं हम PSI की बात करें तो 1 bar = 14.5 PSI होता है, यानी कि एक बार में 14.5 PSI होता है। अगर हम kPa की बात करें तो 1 bar = 100 kPa, यानी कि एक बार में 100 kPa होता है। तो कोई पूछे कि 1 PSI में कितने kPa होते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 1 bar = 14.5 PSI होता है और 1 bar = 100 kPa होता है। तो 1 PSI = 100/14.5, तो इस आंसर हो जाएगा 1 PSI = 6.89 KPa। और वैसे ही 4000 PSI, यानी कि 4000 PSI बराबर कितने बार या kg/cm² होता है, तो आपको सेम यूज करना है फॉर्मूला। जैसा कि मैंने आपको बताया है 1 bar = 14.5 PSI एंड 1 bar = 100 kPa,
और सेम 1.01 केजी पर सेंटीमीटर का होता है। वैसे ही 14.5 पीएसआई इज इक्वल टू 1 बार एंड 1 पीएसआई इक्वल टू 14.5 बार। इसी तरह से आप 4000 पीएसआई इक्वल टू 4000 डिवाइड बाई 14.5 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 275.8 बार, यानी कि 4000 पीएसआई में 275.8 बार होता है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको ये, आप अगर वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने पीएसआई में कितना बार होता है या फिर कितने बार में कितना पीएसआई होता है। जैसा मैंने आपको बताया, 1 बार इक्वल टू 1.01 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगर आप पीएसआई की बात करेंगे तो 1 बार में 14.5 पीएसआई होता है, और अगर आप केपीए की बात करेंगे तो 1 बार में 100 केपीए होता है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।